सुल्तानपुर में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद का मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसी के साथ ही जिला प्रशासन ने सोनू और मोनू की दिक्कतों को जरा बढ़ा दिया है। जी हां, पुलिस ने चंद्रभद्र सिंह सोनू के घर के बाहर छावनी बना दी है। करीब 50 पुलिसकर्मी इस वक्त मय हथियार सोनू सिंह के घर के बाहर तैनात है, जिससे इस वक्त जिले में जिला पंचायत चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये तस्वीरें जिला पंचायत कार्यालय के बाहर की हैं, जहां इस वक्त मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। अब चलिए हम आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां इससे भी ज्यादा पुलिस को तैनात किया गया है। लेकिन ये कोई सरकारी विभाग नहीं, बल्कि चंद्रभद्र सिंह सोनू का घर है। जी हां, सोनू सिंह के घर के बाहर इस वक्त पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। किसी भी आने जाने वाले इंसान से पूछताछ की जा रही है। हालांकि सोनू सिंह के दर्जनों समर्थक भी इस वक्त घर के इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पहरा सोनू सिंह के घर के बाहर क्यों लगा हुआ है। दरअसल सोनू सिंह का ये घर सीताकुंड के पास है और यहाँ से ही कुछ दूरी पर जिला पंचायत कार्यालय मौजूद है। जिला प्रशासन को डर है कि सोनू सिंह या फिर मोनू सिंह चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि कुछ देर पहले ही बीजेपी का समर्थन पा चुकी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे थे। उसके कुछ वक्त के बाद ही बाहुबली सोनू और मोनू की बहन अर्चना सिंह भी जिला पंचायत कार्यालय पहुंची और मतदान करके वापस चली आई। जानकारी के मुताबिक केसा देवी भी मतदान कर चुकी हैं। वहीं धीरे धीरे जिला पंचायत सदस्यों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक के बाद एक सभी जिला पंचायत कार्यालय पहुंच रहे हैं और मतदान करके वहां से लौट रहे हैं। धीरे धीरे चुनाव और नतीजों पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सोनू सिंह के घर के बाहर तैनात पुलिस से लोगों के जहन में एक सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि इतनी फोर्स को वहां पर लगाना पड़ा। खैर, अगर दूसरे पहलुओं पर गौर करें तो गुजरे वक्त में कुछ ऐसे मामले हो गए हैं जिसकी वजह से जिला प्रशासन के माथे पर सिलवटे पड़ना लाजमी हो गया है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी उषा सिंह के पति शिव कुमार ने पुलिस को खुद पर हुए हमले की सूचना दी थी। शिव कुमार ने यह आरोप अर्चना सिंह के भाई मोनू सिंह के समर्थकों पर लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले अर्चना सिंह पर भी 4 साल पुराने वीडियो के बिहाफ पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि उनको सशर्त जमानत मिल गई थी, लेकिन चुनाव के बीच इसके अलावा भी कई मामले ऐसे हुए जिससे जिला प्रशासन को डर है कि सोनू और मोनू चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान और अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।